बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष किचन एट। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बटर पनीर मसाला। ये एक बहुत मज़े की डिश है। हमने आपको बटर चिकन भी बताया था, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बटर चिकन टाइप का ही कुछ है, लेकिन ये इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल अलग से बनती है और ये बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही क्रीमी साइज का मसाला बनता है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये टमाटर हैं 3 अदद, पनीर है ये तकरीबन 400 ग्राम है, मक्खन है ये 150 ग्राम, लौंग है, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, ये 2 छोटी इलायचियाँ हैं, अदरक है छोटा सा पीस, ये लहसुन के 3 जवे हैं, ये 15 काजू हैं, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये प्याज हैं, बारीक कटे हुए भी हैं और स्लाइस भी हैं, क्रीम है, सूखी मेथी है और हरा धनिया है। पैन में मक्खन डालेंगे, अच्छा मैंने आपसे 150 ग्राम मक्खन कहा है, सारा अभी इसमें नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम इसमें से ये देखें हाफ सा मैंने बचा लिया है, तो तकरीबन ये 100 ग्राम अभी गया है, 50 ग्राम्स तकरीबन मैंने इसमें से बटर निकाल लिया है। इसमें ये लौंग डालेंगे, 4-5 लौंग डाले हैं, 2 ये छोटी इलायचियाँ डाल रही हूँ, ये छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 3 जवे लहसुन के ये हैं, और साथ ही ये एक प्याज कटी हुई ये डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। ये मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई किया है, ये देखें लहसुन और अदरक और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं ये 15 काजू डाल रही हूँ, इन्हें फ्राई कर लीजिए साथ। दो मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, ये 3 टमाटर हैं कटे हुए, ये डाल देंगे। और 3-4 मिनट तक इसे पकाएंगे। 5 मिनट मसाला भून लिया है, टमाटर का पानी भी ड्राई हो गया है, अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम पीस लेंगे। मसाला हमने निकाल लिया, अब उसी पैन में ये बचा हुआ बटर डाल रही हूँ मैं, इसमें ये पनीर डालेंगे हमारा, साथ इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून नमक और ये 1/4 टीस्पून ही थोड़ी सी यानी ये सूखी मेथी इसमें डालेंगे और हम अब पनीर को इस बटर में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जब इसे ग्रेवी में भेजें तो ये बिल्कुल ब्लैंक ना लगे, और वैसे भी जब इसे बटर में फ्राई करेंगे तो अंदर तक इसके मक्खन का टेस्ट आएगा। ये से 3-4 मिनट फ्राई कर लिया है, कलर नहीं लाना इस पर वरना ये अगर ये ब्राउन सा हो जाता तो ये चूई हो जाता, मज़े का नहीं रहता। बस इसे हल्का हल्का सा ही मैंने इसे बटर में टॉस कर लिया है, 3 से 4 मिनट, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये फ्राई करके निकाल लिया इसी पैन में, अब ये 2 टेबलस्पून ऑयल डाला मैंने, इसमें 1 ये बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, इसे फ्राई करेंगे ब्राउन कलर आने तक। ये प्याज तकरीबन गोल्डन होने लगे हैं, अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें इस तरह से 2-2 पीस करके डाल दी हैं और ये 1 तेज़पत्ता, इसे भी मैंने कैंची से इसके 4 पीस कर लिए हैं, ये भी डाल लें और साथ ही इन्हें भी फ्राई कर लें।
ये देखें, ये प्याज, तेज़पत्ता और हरी मिर्च फ्राई हो गए हैं। इसे हम हल्का सा पानी डालेंगे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर। अच्छी तरह से भून कर हम इसका मसाला बना लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लें ताकि मसाला जले नहीं। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है। अब ये जो हमने पहले प्याज, टमाटर, काजू और बाकी चीज़ें भुनी थी उनको पीसा है और छान लिया है। अब ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे हम। साथ ही इसमें 100 ml क्रीम भी डाल देंगे। और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये ग्रेवी अब पकने लगी है। अब इसमें ये हम फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे। इसमें जो बटर डाला था वो भी इसके साथ ही डाल देना है। साथ ही इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितनी, हाथ से क्रश करके डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ग्रेवी एडजस्ट कर लीजिए। मुझे थोड़ी सी ये गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 5-6 टेबल स्पून, क्योंकि ऐसे अभी 2-4 मिनट के लिए दम पर रखना है तो ये फिर ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाएगी और इसकी ग्रेवी अच्छी लगती है। अब हल्की आंच पर इसे 2-3 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि पनीर सारे फ्लेवर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ये हमारा मज़ेदार सा बटर पनीर तैयार है। 5 मिनट दम पे रखा था, फिर मैंने इसे उतार लिया है, हरे धनिए से गार्निश कर लिया है। इसे मैंने तवे के रोगनी नानों के साथ सर्व किया है। ये रेसिपी हम अपने पेज पर डाल चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप भी इसे चावल के साथ, नान के साथ या रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर की ग्रेवी है, कर्ली से ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।